तो आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, इसको कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना ही इंपॉर्टेंस है। जैसे देखिए कि इस कॉम्प्लेक्स में क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं से बनता है। देखिए यहाँ से इसमें कई प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, जैसे टोटल जैसो 16 प्रॉपर्टी दिया हुआ है। अब इसमें जैसो कहता है कि इस कंपाउंड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन नोमेनक्लेचर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड। अब टाइप्स ऑफ लिगेंड में भी टू टाइप्स का, एक ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी और दूसरा जैसो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड, मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद कलर एंड कलरलेस, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, नंबर ऑफ टोटल चार्ज, इसके बाद पैरा मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ये सभी प्रॉपर्टी को जो है सो हम लोग को कैलकुलेट करना है। लेकिन जो है सो इस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे फर्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे ये 5 प्रॉपर्टी पर। ठीक है, वो इसके बाद फिर हम लोग और आगे देखेंगे, लेकिन इस 5 प्रॉपर्टी हम लोग अभी फिलहाल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर और आगे की बात करेंगे। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट में जो है आपको कहता क्या है कि यह जो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, चूंकि जो जनरली पूछा जाता है, इतना पॉसिबिलिटी बनता है कि कंपटीशन में या 12th में जो है सो पूछा जा सकता है। लेकिन कुछ इसमें प्रॉपर्टी जो है सो कुछ खास होता है, खास करके जो है सो 12th के बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे जो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, नोमेनक्लेचर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसके बाद जो है सो आपको फिर चले आइए मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए देगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड देगा, पैरा मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछेगा, इसके बाद कलर और कलरलेस की बात करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे, बाकी जो प्रॉपर्टी जो है वो सब जेई और नीट के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए तो सभी प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सीखेंगे और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको आज जो है हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब जो है सो देखिए, अब यहां से जो है सो हम लोग जो बात करेंगे, इस कुछ प्रॉपर्टी जो है इस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग 5 प्रॉपर्टी आज लेकर चलते हैं, उसके बाद फिर और की प्रॉपर्टी की बात आगे करेंगे। अब चलिए देखिए यहां से जो है सबसे फर्स्ट जो है सो यदि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हैं, और नहीं तो विदाउट कैलकुलेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो देखिए सबसे पहले जो है डायरेक्ट मेथड से मैं बता दूं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद फिर इसका डिटेल में बताऊंगा। चलिए देखिए यहाँ से ये जो जो कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है K4FeCN6, इस K4FeCN6 में हम लोग जो बात करेंगे पहले ऑक्सीडेशन नंबर का, तो फिर से यहाँ से लिखिए K4FeCN6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हम बता सकते हैं कि यह जो है इसको कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम, क्लियर है, और इसको कहेंगे लिगेंड्स, यहां से लिखेंगे इसको लिगेंड्स। अब देखिए यहां पर यह जो है इस कॉम्प्लेक्स में यहां से यहां तक के जो चीज है इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्लियर है, स्फीयर। बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे इसको, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो है सो आयन है, और आयन में इसको कहेंगे केटायन। ठीक है, केटायन। अब जो है सो देखिए यहां पर आपको दो चीज को मेन रूप से समझना होगा, एक लिगेंड और दूसरा सेंट्रल मेटल एटम। यह जो लिगेंड जो होगा, इस लिगेंड को जनरली जो है सो हम लोग डी ब्लॉक का मेंबर को लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट करता है। रीजन इसका कई रीजन्स है, जैसे डी ब्लॉक का मेंबर जो भी होता है चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, साइज उसका स्मॉल होता है, साइज स्मॉल होने से चार्ज डेंसिटी इसका बढ़ जाता है। दूसरी बात, यह जो सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है,
और भी यहां से कह सकते हैं कि यह जो सेंट्रल मेटल एटम जो डी ब्लॉक का जो मेंबर होता है उसमें आपको डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये कई रीजन है जिसकी वजह से जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जनरली डी ब्लॉक का मेंबर जो है मिलता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट मिलता है सेंट्रल मेटल एटम के रूप में, ठीक है। अब हम इसकी बात जो करेंगे कि इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की यदि बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सो हम लोग जो है सो हमेशा किसका निकालेंगे, आयरन का निकालेंगे, मतलब सेंट्रल मेटल एटम का निकालेंगे, ठीक है। अब ये सेंट्रल मेटल आयन में यहाँ पर आयरन दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करेंगे। मैंने कई वीडियो जो है दे चुका हूँ जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाया हूँ कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट किया जाता है, और मैंने जो पहले जो वीडियो लेक्चर जो मैंने दिया था उसमें मैंने बताया था कि टोटल जो है सो केमिस्ट्री में चाहे वो ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो, या इनऑर्गेनिक में भी केमिकल बॉन्डिंग हो, या फिर जो है सो आपको ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या फिर पी ब्लॉक डी ब्लॉक, जो जहां पर हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो सभी हाइड्रोजन को हाइब्रिडाइजेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम लोग आसानी से इसको सीख लेंगे। तो देखिए पहले जो है सो बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर को हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का, इसका जो है सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक डायरेक्ट मेथड में बता दूं और दूसरा जो है इनडायरेक्ट मेथड होगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखिए बिना टाइम लगे हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए लिगेंड जो है, आपको लिगेंड की पहचान होनी चाहिए, लिगेंड पर कौन सा चार्ज होगा यानी कितना चार्ज उसके ऊपर होगा, केटायन होगा, एनायन होगा या न्यूट्रल लिगेंड होगा, तो इसके आधार पर जो है सो इसको हम लोग कैलकुलेशन फिलहाल जो है सो मान लेते हैं कि यह जो सी एन जो है इसके ऊपर वन चार्ज होता है, मान नहीं लेते हैं बल्कि होता ही है, लेकिन जो है सो यदि याद नहीं है तो इसको आप याद रखेंगे, इसके ऊपर माइनस वन चार्ज होता है, तो एक साइनाइड के ऊपर माइनस वन, तो टोटल कितने साइनाइड है, सिक्स, तो यहाँ पर कितना होगा, सिक्स माइनस सिक्स, यह जो सो पोटासियम है यानी फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो वन होगा एक पोटासियम पर, लेकिन यह है क्या, प्लस या माइनस होगा, तो मेटल है, मेटल का क्या होता है, प्लस होगा यानी प्लस वन। तो अब जो है कितना पोटासियम है, फोर, तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, प्लस फोर। अब देखिए यहां से इसका पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर माइनस सिक्स है और यहाँ पर प्लस फोर है, ये दोनों को जो है सो इक्वल टू जीरो करना है हमें, तो इक्वल टू जीरो याद रखेंगे कि हमको जो है सो प्लस माइनस माइनस चार्ज दोनों को मिलाकर हमको न्यूट्रल करना है, जीरो करना है, तो कैसे जीरो होगा, देखिए माइनस सिक्स प्लस फोर, यदि इसमें हम प्लस टू कर दे तो इसका मतलब है कि प्लस फोर और प्लस टू प्लस सिक्स हो जाएगा और ये माइनस सिक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यह जो है आपका प्लस सिक्स होगा, सॉरी प्लस टू होगा, क्लियर है। यहां से इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होगा, तो यह तो डायरेक्ट मेथड मैंने बता दिया। अब जो है सो देखिए अब यहां पर इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या है कि जो बुक का मेथड जो है उस बुक के मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जीरो मेथड से, जो कि जीरो मेथड की बात हम लोग कहाँ करते हैं, तो जीरो मेथड की बात जो है हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में करते हैं, उसी मेथड से इसको निकालेंगे, यानी यहां से हम लोग लेंगे जीरो मेथड, क्लियर है। अब इस जीरो मेथड में देखिए हम क्या करेंगे, देखिए जिसका निकालना होता है उसको एक्स मानते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, फोर फोर इंटू प्लस वन, ठीक है, और प्लस जिसका निकालना है एक्स मानेंगे, और यहाँ पर कितना साइन ऐड है, सिक्स, तो सिक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी प्लस फोर प्लस एक्स और प्लस माइनस कितना होगा, सिक्स यहाँ जीरो, यानी एक्स जो है सो क्या होगा, ये इधर जाएगा, तो प्लस सिक्स और माइनस कितना हो जाएगा, फोर, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस टू। देखिए यहाँ से भी
हम जीरो मेथड से भी कैलकुलेट किए तो यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगा। ये भी जीरो मेथड ही है लेकिन यहाँ डायरेक्ट हमने कर दिया। अब इसको जो चूंकि इसको हमको टाइम भी फैक्टर एक होता है, टाइम बचाना, तो इस आधार पर जो है सो डायरेक्ट इसका हम कैलकुलेशन करके यहीं निकालते हैं। ठीक है, यदि हम जीरो मेथड से निकालते हैं इस तरह से तो थोड़ा सा टाइम लेता, दो चार मतलब 2-3 मिनट ये जो सो टाइम ले लेता। इस वजह से हम इसको करने के लिए हम डायरेक्ट भी सोल्व कर लिए, बाय प्रोसेस भी सोल्व कर लिए। ठीक है, अब जो है सो देखिए नेक्स्ट है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है सो इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 बन जाएगा। यहाँ पर भी लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe +2। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो उसमें प्लस माइनस साइन नहीं छोड़ना होगा, नहीं तो वह रॉन्ग कर देगा। इसीलिए हमेशा वह ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस माइनस जो भी साइन उसका होता है उसको मेंशन करेंगे। यदि वैलेंसी की बात करेगा तो वैलेंसी में आप उसको भूल जाएंगे, वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, अब जो है सो यहाँ से नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में सेकेंड जो प्रॉपर्टी जो है सो ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के लिए बात क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ज्योमेट्री। अब इस कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या होगा, तो एक्चुअली में जो ज्योमेट्री जो होता है आपको उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर दे सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे किसको, तो देखिए यहाँ पर जो लिगेंड का नंबर जो होगा यही लिगेंड का नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। अब देखिए लिगेंड का नंबर मतलब इस कॉम्प्लेक्स में यह जो Fe जो है, इस Fe इस तरह से 6 साइनाइड से यह जुटा हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से जुटा हुआ होगा 6 CN से। ठीक है, और वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, क्लियर है। यहां से लिखेंगे CN और देखिए यहां से, ठीक है, तो ये जो है आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से या साइनाइड से जुटा हुआ होगा। और यहां पर इसको जो है सो क्या लिखेंगे, प्लस सॉरी -4 और ये जो होगा आपको 4K+, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब जो है सो देखिए यहां पर जो है इस तरह की जो सिचुएशन आ रहा है, हमको निकालना क्या है, ज्योमेट्री। तो डायरेक्ट इस कॉम्प्लेक्स को देख के आप ज्योमेट्री बता सकते हैं, यहाँ जितने लिगेंड की नंबर होगा वो उसका ज्योमेट्री होगा। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, यदि फोर यदि लिगेंड्स है तो दो तरह का ज्योमेट्री हो सकता है, एक जो है सो टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लैनर। यदि दो जो है सो लिगेंड प्रेजेंट है तब उसका कहेंगे कि इसका ज्योमेट्री लिनियर होगा, और यदि 6 लिगेंड प्रेजेंट है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, याद रखेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखिए हमेशा जो है सो ध्यान रखेंगे जब लिगेंड की संख्या 6 होगा तो ज्योमेट्री कितना मानेंगे, ऑक्टाहेड्रल। अब इसके बाद जो है सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है सो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड यहां से थर्ड इसका प्रॉपर्टी है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए कैसे। अब देखिए हमको ये पता चल गया कि Fe जो है इसका, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब Fe का पहले आपका एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 26 होता है। अब इसके बाद इसका आपको जो है सो पता होना चाहिए कि कैसे इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे 4s2 3d6, ये इसका शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 और 4s2 और 3d6, ये इसका पूरे लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। तो लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं करेंगे हम, देखिए यहां से शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे। अब यह Fe जो है किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो Fe +2 के फॉर्म, यानी दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया है यह जो है। सो Fe जो है देखिए, तो Fe से Fe +2 में, चूंकि +2 चार्ज है
तो यह आयन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, प्लस टू है, दो इलेक्ट्रॉन निकल गया है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालेंगे, इससे, 4s से, 3d से नहीं निकालेंगे, याद रखेंगे। 12th के बच्चे इसमें गलती करते हैं कि वह जैसे ये 3d से निकाल देते हैं, गलत होगा। हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो किस में ऐड होगा, यह निकलेगा किससे, तो वह आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेगा। यहाँ 4s और 3d है तो आउटर मोस्ट क्या होगा, 4s होगा, ठीक है। इसका मतलब यहां से हम क्या लिखेंगे, 4s 0 और 3d 6, ये इसका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, किसका, Fe प्लस 2 का। जब इतना निकल गया तो इस चीज को हम क्या क्या लिखेंगे, यहां से देखिए 4s 0 और 3d 6। अब यहां से हम लोग करेंगे क्या, सो देखिए, इतना कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग यहां से देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन है। अब देखिए क्या करेंगे इसको, कि इसके लिए हम इस तरह के देखिए, तो यहां से 4s 0 3d 6 बन गया, तो अब यहां से ये एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये जो है सो डी ऑर्बिटल जिसमें 5 लोब, ठीक है, क्या लिखेंगे, 3d 6, इसके बाद 4s, तो 4s यहां पर बना लेंगे 4s, और यदि यहां पर ये जैसा 4p होगा, इस तरह से बना लेंगे, और एक और डायग्राम बना लेंगे यहां पर, यह 4d होगा। देखिए इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन जैसे डायरेक्ट सॉल्व करने में थोड़ा सा एरर होने का ज्यादा डर है, लेकिन फिलहाल क्या करेंगे, सो देखिए, देखिए 3d 6, 4s 0, 4p भी 0 और 4d भी 0, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खैर नहीं है कोई बात नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो 3d 6 है, ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है सो इस तरह से फील होगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो बचेगा उसको पेयरिंग होगा, ठीक है, तो एक लोब जो है सो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाकी सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट में होगा। ग्राउंड स्टेट में कोई भी जो आयन होगा, कोई भी एटम होगा, उसका जो है इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का ये प्रोसेस है, यानी हुंस रूल को फॉलो करेगा। यहां पर तो हुंस रूल को फॉलो कर दिया, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, इस एक्साइटेड स्टेट में आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में सबसे पहले जो है आपको देखना पड़ेगा कि लिगेंड का सिचुएशन क्या है। लिगेंड का सिचुएशन में हम लोग ये देखेंगे कि लिगेंड वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है, तो यह जैसे फिलहाल मान के चलेंगे कि यह लिगेंड जैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कैसे है यह जैसा हम लोग आगे की बात करेंगे, इसको भी कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड है, इसका भी कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, तो जहां पर वो आएगा वहां पर मैं बताऊंगा कि यह वीक फील्ड होगा कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा कैसे होगा। फिलहाल यहां से इसको मान के चलेंगे यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब जो है सो थ्री लिगेंड, जैसे CN, CN हो गया, CO हो गया और NH3 होगा, इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड मानेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे मानेंगे बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको फिलहाल जो है ये तीनों को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहेंगे। अब देखिए जब एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वह जो सो हुंस रूल को फुलफिल नहीं करेगा, वीक रहेगा तो फुलफिल करेगा, लेकिन जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो वह जो सो फुलफिल नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इसी चीज को फिर से बनाएंगे और डायग्राम में यहां पर 1 2 3 4 5 फिर इसको लिखेंगे, जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को यहां से बना लेंगे, क्लियर है, चलिए यहां से इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, पेयर में कर देगा, इसको धक्का देकर इस सभी को क्या करेगा, पुश कर देगा, तो यहां से पेयर्ड हो गया। अब पेयर्ड होने से क्या होगा कि ये दो लोब खाली हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है कि इस सिचुएशन में अब जो है जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो कॉम्बिनेशन हुआ था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, तो इसी शर्त पर हुआ था कि लिगेंड इसे कहा था कि जितना इलेक्ट्रॉन देंगे
उस सभी इलेक्ट्रॉन को अलग रूम में तुम्हें रखना होगा। इसका मतलब है एक लिगेंड के पास दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो टोटल जो सो कितने लिगेंड है, 6, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन यह जो सो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को देगा। सेंट्रल मेटल एटम उस इलेक्ट्रॉन को अपने जो वैकेंट ऑर्बिटल का ऑर्बिटल जो है उस वैकेंट ऑर्बिटल्स में वह जो सो रखेगा, अपने साथ वो कभी नहीं रखेगा। जब वहां पर जो है सो जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा उसी वैकेंट ऑर्बिटल्स में वह जो है सो अपना यह लिगेंड का इलेक्ट्रॉन को रखेगा। लेकिन रखेगा तो कैसे रखेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में? तो याद रखेंगे जब भी लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वह जो है सो किस फॉर्म में होगा, पेयर्ड फॉर्म में होगा। यानी पेयर्ड फॉर्म में यहां से क्या लिखेंगे, इस तरह से इसको शो करेंगे, ठीक है। यह जो सो क्रॉस से इलेक्ट्रॉन को यहां पर शो करेंगे, क्लियर है। अब देखिए यह जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जो होगा उस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करने के लिए या तो हम क्रॉस ले सकते हैं या फिर हम डॉट ले सकते हैं इस तरह से, या फिर जो है इस तरह से एरो यदि लेते हैं तो यहां से डॉट डॉट करके यहां से ऐसा लिख सकते हैं। यह थ्री रूप में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर जो है सो क्रॉस फॉर्म में लिए हैं, ऐसा इसलिए कि देखिए लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन है और सेंट्रल मेटल का अपना इलेक्ट्रॉन है, यह जो है एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, इसीलिए इसको इंडिकेट करने के लिए डिफरेंट तरीका जो है सो अपनाया है। अब देखिए यहां से जो है यह जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जो है, यह लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जिस लोब में रखा गया है उसको देख लीजिए, यह डी में कितना लोब है, 2, 2d इसको लिखेंगे, यानी d का जो है सो 2 लोब में इलेक्ट्रॉन लिगेंड का है। s में कितना, ये 4s का है, 1s, और ये p में कितना है, 3 लोब में, तो 3p इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए ये जो कोफिशियंट जो लिखे हैं इस कोफिशियंट को पावर के रूप में डाल दीजिए, मतलब d2 s 1 पावर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p 3, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 sp3। तो यहां से क्या लिखेंगे, d2 sp3। यह जो है आपका, यह जो है सो d2 sp3 जो है इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है। तो इस मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है सो बात हम लोग करेंगे नॉमिनक्लेचर का, कि नॉमिनक्लेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी। चलिए अब जो है सो नॉमिनक्लेचर की बात करेंगे। नॉमिनक्लेचर तो देखिए नॉमिनक्लेचर में हम लोग इसका आईपी सिस्टम में कैसे लिखेंगे, जो जनरली पूछा जाता है कंपटीशन में और 12th में। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स को पहचान करनी होगी कि यह किस तरह की कॉम्प्लेक्स है। तो यह जो कॉम्प्लेक्स जो है आपको, यह नाइनी कॉम्प्लेक्स है। अब यह नाइनी कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे, आगे समझेंगे इसको। देखिए यहाँ पर यह जो K4FeCNCO6 है ये क्या नाइनी कॉम्प्लेक्स है। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए क्या रूल होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो इसके नाम कैसे लिखेंगे, देखिए पोटासियम, पोटासियम, पोटासियम नंबर नहीं, विदाउट नंबर। इसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे, विथ नंबर, पहले नंबर उसके बाद नाम। तो लिखेंगे यहां से हेक्सा। अब ये जो है सो साइनाइड है, तो जब एनायनिक लिगेंड होता है उसके लास्ट में ओ का प्रयोग करते हैं या IDO का प्रयोग करते हैं, सफिक्स के रूप में ओ का प्रयोग करेंगे एनायनिक लिगेंड में, या फिर जो है IDO का प्रयोग करेंगे। यह जो IDO जो है, यह जो है सो आपको JE का कॉन्सेप्ट है, कि JE के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जब कोई भी एनायन जब होगा उसमें जो है सो सफिक्स के रूप में हम ओ का प्रयोग न करके IDO करेंगे।
तो यदि आपको ये भी होता है तो भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू जेई वह जैसा ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है, वो तो आ ही रहा है। तो यहां से लिखेंगे साइनो, यहां से लिखेंगे, या तो जैसे देखिए ऐसे लिख सकते थे साइनो, या फिर इसी को जो है हम लोग लिखेंगे साइनाइडो, ठीक है, यानी पोटासियम हेक्सा साइनाइडो। अब ये जो आयरन है इसका स्पेसिफिक नेम लिखेंगे, तो यहां से इसको लिखेंगे फेरेट। फेरेट इसका लास्ट में क्या आएगा, एटी आएगा, इसको साइंटिफिक नेम बोलते हैं, आयरन का साइंटिफिक नेम फेरेट। तो पोटासियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, टू, तो ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिखेंगे, और इसके साथ कोई प्लस माइनस साइन इंडिकेट नहीं करेंगे। लेकिन यदि ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो आपको वहां पर प्लस माइनस साइन दिखाना होगा। यदि नॉमिनक्लेचर में इसका जो नेम लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, तो उसका रोमन नंबर में लिखेंगे, यहाँ पर जैसे प्लस माइनस का साइन नहीं होगा, याद रखेंगे। इसके बाद जैसे नेक्स्ट जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और प्लस क्या होगा, टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। या तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, या इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस क्या होगा, टू इंटू प्राइमरी वैलेंसी, आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से दोनों एक ही चीज है, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी, यहां से लिखेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। देखिए सेकेंडरी वैलेंसी जो है हम लोग क्यों कहते हैं, तो देखिए सेकेंडरी वैलेंसी यानी तो इसको कह सकते हैं कि जो वर्नर साहब जिनको कहा गया था फादर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो उन्होंने जो है उनका मेन कंट्रीब्यूशन जो था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर, तो वह जो है सो इसी चीज के लिए था कि उन्होंने जो है ये कहे थे कि जो सेंट्रल मेटल एटम जो है वह सेंट्रल मेटल एटम दो तरह का वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी का मतलब जो है वह उसके ऊपर जो चार्ज होगा वह जो है इंडिकेट करेगा, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कि जो चार्ज नहीं होगा बल्कि वह जो है सो लिगेंड के फॉर्म में होगा। यानी हम यहां से कह सकते हैं इसको केवल याद रखने के लिए कि प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, बट दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन केवल समझने के पर्पस से हम केवल इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट, अब क्या कीजिए कि आप यहां से लिखेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए, एटॉमिक नंबर कितना है 26, प्लस कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस है ना, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, टू, प्लस टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यहां पर 6, या प्राइमरी वैलेंसी 6, तो यहां पर लिख सकते हैं। देखिए 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 मतलब यहां से लिख सकते हैं 24, और प्लस 12 कितना होगा 36, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Fe कितना हो गया 36, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, या जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है इससे जिस ग्रुप का सेंट्रल मेटल एटम होगा, सॉरी जिस पीरियड का सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका इनेट गैस के एटॉमिक नंबर के लगभग इक्वल आएगा, या कभी कभी उसे कम भी आ जाता है, उसकी बात आगे हम लोग करेंगे। तो देखिए यह जो है सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आयरन का वो 36, ठीक। इसी तरह से हम लोग आगे की भी प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।